वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यश टेक्निक में। यश टेक्निक जो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वीडियोस प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात हुई है और आज की वीडियो हमारी किसके ऊपर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने डाउट को जरूर ही बताया करिए, क्योंकि आपके डाउट्स हम पढ़कर अगली वीडियोस में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली वीडियोस की लिंक आपको नहीं मिलेगी। फिर ये मत कहना कि हम सीख नहीं पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप हैं, मैं हूं, तो हम कोई भी हो, हमारी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं कि नहीं होती हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो कोई और फील्ड में अच्छा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ विशेषताएं सभी में होती हैं, आप में है, मुझ में है। ऐसे ही हमारा डीसी जनरेटर भी होता है, इसकी भी अलग अलग टाइप के आधार पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि किसी की स्पीड अच्छी होती है तो किसी का टॉर्क अच्छा होता है, तो किसी की कांस्टेंट स्पीड होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हर जनरेटर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हमें डीपली पढ़नी है। तो हम पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को इस वीडियो में देखेंगे। और हमने पिछली वीडियो में डीसी जनरेटर के टाइप्स देखे थे, उन्हीं टाइप्स से सीक्वेंस में चलकर हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर देखा था। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी सबसे पहले किसकी देखेंगे? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की। तो हम क्या चलने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर? कैसा जनरेटर था ये? एक ऐसा जनरेटर था जिसमें हम फील्ड वाइंडिंग को एक अलग डीसी सोर्स से एक्साइटेड कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए हमने इसको नाम किया जाता का नाम क्या दिया था? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो कोई भी जनरेटर जब हम पढ़ेंगे तो हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहली कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी हमारी मैग्नेटिक और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेटिक और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे वो होंगी हमारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों हम टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखेंगे बच्चों? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है हमें, मैग्नेटिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब देखिए बच्चों क्या होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेटिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स उन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन होती है। किन दो पैरामीटर्स के बीच में? जब हमारी जनरेटर होता है इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं, तो किन पैरामीटर्स के बीच में होती है? एक तो हमारे नो लोड पर उत्पन्न ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में रिलेशन दिखाए, नो लोड या ओपन सर्किट या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हम दिखाएं आपको, ये हमारा क्या है?
सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के पहली वीडियो में डायग्राम हमने ऐसे ही देखा था ना, ध्यान होगा ना, अगर ना हो तो पहले वीडियो देख ले वो वाली, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी साइड में क्या होता था, लोड कनेक्ट होता था। अब मैंने यहां पर लोड कनेक्ट नहीं किया तो ये कैसा हो गया, नो लोड वाली कंडीशन। अब नो लोड कंडीशन में जो ईएमएफ जनरेटेड होगा उसको नाम मैंने क्या दे दिया, ई नॉट को क्या बोल दिया, नो लोड ईएमएफ। और इस कंडीशन में जो फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही है उसको मैंने बोल दिया आईएफ, ठीक है। तो नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में रिलेशन खींचा जाएगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी एक बात आइए, ओपन सर्किट में क्या करंट फ्लो होती है, नहीं होती है, लेकिन ईएमएफ तो डेवलप हो जाएगा। तो ये रिलेशन किस किस के बीच में होगा, ये रिलेशन होगा हमारा नो लोड ईएमएफ, जिसको हम ई नॉट से लिख रहे हैं, वा किसके बीच में, फील्ड करंट आईएफ के बीच रिलेशन। तो देखिए कैसा होता है रिलेशन, ये हमारा कर्व है, इस कर्व की ये लाइन कौन सी चल रही है हमारी, फील्ड करंट को दिखा रही है जो एक्स एक्सिस है, और जो हमारा वाई एक्सिस है वो नो लोड ईएमएफ यानी कि ई नॉट को दिखा रहा है। तो क्या होता है, जब हमारी फील्ड करंट बढ़ती है तो हमारा ई नॉट क्या है, क्योंकि यहाँ इस कंडीशन में हमारा सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, तो जो हमारा ई नॉट होगा उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो ई नॉट एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारी नो लोड या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या होता है नो लोड या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि हमारे सेकेंडरी साइड में जो है ये देखिए लोड कनेक्ट नहीं है, तो इससे हमारी आर्मेचर करंट फ्लो नहीं होगी, जब करंट फ्लो नहीं होगी तो कंपोनेंट्स में वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। तो कंपोनेंट्स में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ तो जो हमारा ई नोट डेवलप हो रहा है वो एक प्रकार से कॉन्स्टेंट लाइन आई होगी ना, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है, मतलब जितना डेवलप होने चाहिए होता रहा है। अब देखिए हमने क्या देख लिया, मैग्नेटिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसी का दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी देखेंगे, हम देखेंगे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने वाले हैं, हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल या टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं ना इनको, बताया मैंने, ध्यान रखना है इस बात को, इंटरनल या टोटल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन होता है, तो चलिए देखते हैं किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखिए अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन देखिए बच्चों कैसी होगी, ये जैसे कि हमारे नो लोड में क्या थे, लोड कनेक्टेड नहीं था, अब मैंने यहां पर क्या किया, लोड को कनेक्ट कर दिया मैंने लोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, तो बच्चों देखिए अब ये ईएमएफ में मैंने लोड करंट वो सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट कर दिया, तो हमारी आर्मेचर करंट फ्लो होने लगेगी क्योंकि सर्किट क्लोज हो गया है, ठीक है। अब फ्लो होने लगी तो हमारा आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस आर है, उसकी वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, होगा, और हमारा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जो हमारा
इस कंडीशन में जो ईएमएफ डेवलप होगा, मतलब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की कंडीशन में जो हमारा ईएमएफ डेवलप होगा, ई जिसको हम लिख रहे हैं, ई कोड़ा ई नॉट से कम होगा। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन होता है? लोड कंडीशन में जनरेटेड ईएमएफ ई और आर्मेचर करंट के बीच में, आर्मेचर करंट के बीच में, लोड कंडीशन में जनरेटेड ईएमएफ ई और आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स या टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, क्योंकि अब वोल्टेज ड्रॉप होने लगा है तो जो हमारा ई का मान होगा ना वो कम होगा किससे? ई नॉट से। तो इसको हम क्या, देखिए ये जैसे कि ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया ना, ये देखिए जब हमारी, अब क्या ये आर्मेचर करंट है और ये हमारा ई चल रहा है, ठीक है। तो आर्मेचर करंट जब हमारी बढ़ रही है तो हमारा ई जो क्या है वो कम हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि हमारी वोल्टेज ड्रॉप भी होगी। और इस ड्रॉप को हम कैसे दिखा सकते हैं? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी ड्रॉप होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को इस रीजन के द्वारा दिखा दिया मुझे। ओके, अब आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप में हमने क्या देख लिया? तो देखिए हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या हुआ कि जब हमारी आर्मेचर करंट फ्लो होने लगी तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी चालू हो गया, जिसकी वजह से अब हमारी लोड कंडीशन में जो जनरेटेड ईएमएफ था उसकी वैल्यू ई नॉट से कम हो गई, ठीक है। तो हमने ये देख लिया ई और आईए के बीच में रिलेशन था। ओके, अब हम क्या देखने वाले हैं? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं चलो बच्चों। प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब देखिए, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किन दो पैरामीटर्स के बीच में खींचेंगे? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी किसके बीच में होगी? एक तो आपके जो लोड में जो वोल्टेज जाएगा, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में, अर्थात वह कैरेक्टरिस्टिक्स जो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच रिलेशन दिखाती है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। अब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड में वोल्टेज गई तो क्या, देखिए बच्चे लोड कंडीशन में जो हमारा ईएमएफ है वो ई बना, क्या ये ईएमएफ पूरा पार्ट के हमारा लोड में पहुंच जाता है? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ तो आर्मेचर में ड्रॉप हो गया और बाकी कैसे, जब हमारे ब्रशेस ने कलेक्ट की करंट को तो उन पर भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से वोल्टेज जो लोड में पहुंचा उसका मान काफी कम हो गया, ठीक है। तो जो मतलब हमारा ई नॉट था सबसे ज्यादा, फिर ई उससे कम हो गया, फिर उसके बाद जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज यानी कि भी था, और यहां पर आईए हमारी आईएल के बराबर होती है इसलिए हम आईएल भी लिख सकते हैं इसको, तो क्या होगा, वोल्टेज का मान और कम हो गया। और इसको हम कैसे बोलेंगे? ओमिक वोल्टेज ड्रॉप। ओमिक वोल्टेज ड्रॉप कैसा? वी बराबर आईआर हमें किसने बताया था? ओम ने। तो इसी के नाम पर हम इनको क्या बोलते हैं? ओमिक वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा? लो लोड कंडीशन में हमारा ई नॉट जो था, ये ई नॉट के लिए दिखा रहे हैं हम, ई नॉट जो सबसे ज्यादा था, उसके बाद जो लोड कंडीशन में ई डेवलप हुआ वो उससे थोड़ा कम हो गया क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होना चालू हो गया, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। उसके बाद क्या हुआ? जो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में रिलेशन देखा तो उसमें हुआ ओमिक वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो कि लोड में पहुंचा उसकी वैल्यू कम थी ई नॉट से और ई से। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा था आपका? ई नॉट सबसे ज्यादा, फिर ई, उसके बाद ई। ओके, चलिए हमने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसकी? हमारी डीसी संट सीरीज जनरेटर की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। ओके, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डीसी सीरीज जनरेटर का डायग्राम तो सबको पता होगा कैसा होता है।
क्योंकि अभी हम सबसे पहले कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मैग्नेटिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो मैग्नेटिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में सर्किट कैसा होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो ओपन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ओके। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो मैग्नेटिक और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों पहले किस दो, किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन था, आपका E0 के बीच में और IF के बीच में। अब यहां पर IF को क्या दिखाया गया है, यहां पर IF को दिखाया गया है ISE, ठीक है। और हमारी आर्मेचर करंट IA है, मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, आर्मेचर करंट IA है, ओके। तो क्या है, मतलब अभी आर्मेचर करंट नहीं हुई, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे, एक तो आपका नो लोड कंडीशन में जनरेटेड ईएमएफ ई नॉट और फील्ड करंट, यहां पर सीरीज फील्ड बाइंडिंग है इसलिए आईएसई। मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक्स में किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन निकाला, नो लोड कंडीशन में जनरेटेड ईएमएफ ई नॉट और सीरीज फील्ड करंट आईएसई के बीच में, ठीक है। तो निकालते हैं, चलो बच्चों, यहां पर हमारी जो एक्स एक्सिस होगी वो आईएसई को डिनोट करेगी, ठीक है, और जो हमारी वाई एक्सिस होगी वो ई नॉट को डिनोट करेगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारी एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का टाइप है, कौन सा, डीसी सीरीज जनरेटर, तो ये क्या होगा, ये जो ई नॉट होगा वो ओ से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको भी हम देख लेते हैं बच्चों। क्या होगा कि हमारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहेगा ना, उस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के वजह से भी तो जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको हमने इस पार्ट से दिखा दिया। मतलब ये पार्ट उस ईएमएफ को डिनोट कर रहा जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के वजह से आर्मेचर में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से आर्मेचर में ईएमएफ डेवलप हो गया, उसका कुछ पार्ट हमने फील्ड वाइंडिंग में दे दिया, उसमें बढ़ गया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई जिसकी वजह से और प्रोड्यूस हुआ ईएमएफ हमारा आर्मेचर के द्वारा, ठीक है। तो ये हमने यही देखा कि जब हमारी आईएसई बढ़ी तो आईएसई के बढ़ने के साथ हमारी ई नॉट भी बढ़ती गई, ठीक है। अब ई नॉट भी बढ़ती गई तो क्या, ई नॉट अब हमारी बढ़ती तो गई, ओके। अब हम इसके बाद कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, मैग्नेटिक के बाद देखने वाले हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी देखने वाले हैं बच्चों, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन होती है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर दो पैरामीटर्स, क्योंकि अब इंटरनल आ गई है इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोड को कनेक्टेड कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोड को कनेक्टेड कर दीजिए, लोड को कनेक्टेड। अब हमने लोड को कनेक्ट कर दिया तो आर्मेचर करंट भी क्या होगी, फ्लो होने लगेगी और लोड में भी करंट जाएगी और इसका रेजिस्टेंस RL। तो अब देखिए, जो हमारा लोड कनेक्ट हो गया तो फिर से क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, उसकी वजह से जो हमारा इस कंडीशन में जनरेटेड ईएमएफ है, इस कंडीशन में जनरेटेड ईएमएफ जिसको हम किससे दिख रहे हैं, ई से, जिसको हम ई से दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, कम होगा किससे, ई नॉट की तुलना में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किन दो बीच के, ई के बीच में, ई के बीच में मतलब किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन होगा, ये एक तो आपका ई के बीच में होगा, एक तो आपका ई के बीच में, ई के बीच में और आर्मेचर करंट के, क्योंकि यहां पर आर्मेचर करंट ही लोड करंट है तो इसको हम लोड करंट भी कह सकते हैं ना, तो आर्मेचर करंट या लोड करंट के, ई या फिर आर्मेचर करंट या फिर लोड करंट के बीच में, ठीक है। तो हमारा बाई एक्सिस ई को दिखा रहा है और ये हमारे आर्मेचर करंट को या फिर लोड करंट को दिखा रहा है, ठीक है। तो हम रिलेशन खींचना चालू करते हैं, तो हम रिलेशन खींचते हैं, जो हमारा ई है इसके लिए रिलेशन खींचिए, देखिए ये कैसी चालू होगी हमारी,
ओके ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ई और किसके बीच में, आईए या फिर आईएल के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब हमारी आईए बढ़ती है तो हमारा ई का मान बढ़ता है, लेकिन क्या हुआ आईए के आ जाने पर हमारा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप भी आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, जिसकी वजह से हमारा जो अभी इस टाइम पर ई की वैल्यू है इसकी वैल्यू किससे कम होगी, ई नॉट से, ठीक है प्यारे बच्चों। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी देखने वाले हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं बच्चों, देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी समझ समझी गया यहां पे समझने वाले टॉपिक जा तो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कौन सी है, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, अब क्योंकि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ये किन दो पैरामीटर्स के बीच में होती है, एक तो आपकी टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वी के बीच में और किसके बीच में, लोड करंट के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में, मतलब ये जो वोल्टेज लोड में जा रहा है इसी को तो हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में, तो आइए ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों ये आ गया टर्मिनल वोल्टेज। और अब क्योंकि देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या कब पहुंचा, तो टर्मिनल वोल्टेज में पहुंचने से पहले क्या हुआ, ब्रशेस पर ड्रॉप हुआ, तो इसकी वैल्यू किससे कम होगी, इससे किसके ई से, तो ये कौन सा वोल्टेज ड्रॉप हो गया था हमारा, ओमिक वोल्टेज ड्रॉप, ओमिक वोल्टेज ड्रॉप। अब बच्चों क्या होता है, अब हम आईए की वैल्यू और ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो ये हमारा वोल्टेज फिर बहुत तेजी से घटने लगेगा, अभी तो बढ़ रहा है ना उसके साथ में क्या होगा बहुत तेजी से घटने लगेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली किसकी, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद डीसी सीरीज जनरेटर के बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हम डीसी संट जनरेटर की, डीसी संट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो डीसी संट जनरेटर की सबसे पहले कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं डीसी संट जनरेटर, मैं आपको केवल नाम लिख देता हूं आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक है की ओके। तो डीसी संट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक भी सबसे पहले कौन सी देखेंगे, हम देखेंगे हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका संट जनरेटर का डायग्राम, ठीक है। अभी ई नॉट आएगा क्योंकि ये सॉरी इंटरनल नहीं, हम नो लोड या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो मैग्नेटिक या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, हमारे सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्टेड नहीं होता है, लोड कनेक्टेड नहीं होता है तो क्या होता है आर्मेचर करंट फ्लो नहीं होती है, आर्मेचर करंट फ्लो तो नहीं होती है पर क्या है हमारा एक ईएमएफ तो डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ई नॉट, ठीक है ओके। तो हम इसकी देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, ये इन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन होगा, एक तो आपका ई नॉट के बीच में, एक आपका आईएसएच जो कि फील्ड करंट है यहां पर, इसलिए तो ई के बीच में और आईएसएच के बीच में ओके। चलिए तो ड्रॉ करिए बच्चों क्या होगा, डीसी शंट जनरेटर में भी जो हमारा ई नॉट है ना वो लगभग कांस्टेंट चलेगा, ठीक है बच्चों ओके। अब डीसी शंट जनरेटर में हो गया, इसके बाद क्या होगा, हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई बच्चों, तो हम इसमें क्या कनेक्ट कर देंगे, लोड कनेक्ट कर देंगे, कर दिया बच्चों लोड कनेक्ट। अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में लोड कनेक्ट कर दिया, आर्मेचर करंट अब हमारी क्या हो जाएगी, फ्लो होने लगेगी, ये हमारी क्या आर्मेचर करंट कैसी हो गई, फ्लो होने लगी और लोड में भी जाने लगी, और इसका कुछ रेजिस्टेंस है आर एल लोड का, ठीक है, और यही पार्ट आई एस एच में भी जाने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन किन दो के बीच में, लोड करंट के बीच में, और हमारा इस कंडीशन में जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है जिसको हम ई से दिखा रहे हैं इनके बीच में,
ई की वैल्यू हम पता है, जब हमने लोड कनेक्ट कर दिया तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से ई की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप भी देख लिया हमने, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप भी हमने देख लिया। अब इसके बाद जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं वो हमारी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किन दो पैरामीटर से, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी किन दो पैरामीटर्स के बीच में होगी, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स प्यारे बच्चों हमारी किन दो पैरामीटर्स के बीच में होगी, टर्मिनल वोल्टेज वी के बीच में और हमारी लोड करंट के बीच में, लोड करंट के बीच में, इसको लोड करंट के इसी से लिख लीजिए, लोड करंट के बीच में। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू और कम होगी टर्मिनल वोल्टेज की, किससे, ई की तुलना में। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया, और किस वजह से, ओमिक वोल्टेज ड्रॉप के वजह से। ठीक है, तो बच्चों हमने देख लिया क्या हुआ, ई नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर ई की उससे कम, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज की सबसे कम। इसके अब हम डीसी शंट जनरेटर की भी देख ली है, इसके बाद हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डीसी कंपाउंड जनरेटर की, वो हम कल की वीडियो में देख लेंगे, आज हम इतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी किसकी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की, डीसी सीरीज जनरेटर की, डीसी शंट जनरेटर की। तो डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हमने क्या देखा कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ई नॉट, ई नॉट लगभग कॉन्स्टेंट चल रहा था, किन दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन था, एक तो हमारा किन दो पैरामीटर्स के बीच में, एक तो हमारा ई नॉट के बीच में और आई एफ के बीच में, किन सा, मैग्नेटिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, तो ई नॉट हमारा लगभग कॉन्स्टेंट जा रहा था। दूसरी हमने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक देखी जिसमें हमारा किन के बीच में रिलेशन था, ई के बीच में और हमारा आई ए के बीच में, तो ये क्या हो रही है, हमारी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, ये मतलब ई की वैल्यू ई नॉट से कम हो गई थी। इसके बाद फिर हमने टर्मिनल वोल्टेज और आई एल के बीच रिलेशन खींचा, तो क्या हुआ, हमारी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू और कम हुई किसके, आई एल के बढ़ने पर, तो हमारी ये वैल्यू किससे और कम हो गई थी, ई नॉट से तो कम हो ही गई थी, साथ में ई से भी कम हो गई, तो मतलब सबसे ज्यादा हमारा ई नॉट था, फिर ई था, फिर वी था। इसके बाद हमने डीसी सीरीज जनरेटर की देखी, डीसी सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा, डीसी सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारी ओपन या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी किसके बीच में, ई नॉट के बीच में और आई एस सी के बीच में। ई नॉट और आई एस सी के बीच में क्या हुआ, हमारा आई एस सी बढ़ रही थी तो ई नॉट भी हमारा बढ़ रहा था। ठीक है, इसके बाद हमने फिर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक देखी जो थी हमारी ई के बीच में और लोड करंट आई एल के बीच में, परंतु इसमें क्या हुआ, इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई थी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप की वजह से, मतलब इसलिए इसका कर्व नीचे आया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में, तो इसकी वैल्यू और कम हो गई थी, और इसके बाद क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद आई एल के और बढ़ने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम होने लगेगी आई एल के बढ़ने पर। ठीक है बच्चों, इतना देख लिया हमने। इसके बाद हमने डीसी शंट जनरेटर की देखी थी, डीसी शंट जनरेटर में हमने क्या देखा था कि हमारा जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक थे, इसमें नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ये ई नॉट भी लगभग कॉन्स्टेंट चल रहा था। ठीक है, किसके बढ़ने के साथ, आई एस एच के साथ में। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इंटरनल कैरेक्टर जो ई और आई एल के बीच में थी, तो ये क्या थी, थोड़ी कम थी ई नॉट की तुलना में, इसका कर्व भी थोड़े नीचे था। इसके बाद हमने टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में देखा, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा थोड़ा कम हो गया था किसकी तुलना में, ई की तुलना में। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर भी सबसे ज्यादा, ई की फिर उससे कम और बी की सबसे कम। तो इस प्रकार हमने डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक देख ली है, डीसी कंपाउंड जनरेटर की केवल कैरेक्टरिस्टिक बची है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगली वीडियो के बनाने के लिए हम और ज़्यादा मोटिवेट हों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।